नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है टैरिडोफाइट्स। टैरिडोफाइट्स जो कि आपकी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट या फिर क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज बेसिकली जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टैरिडोफाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप ही हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी या फिर नीट या क्लास ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, डेली पीडीएफ, क्वेश्चनेयर या फिर स्टडी मटेरियल अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जो आप सभी की तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बनाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है टैरिडोफाइट्स या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टैरिडोफाइट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले एक आउटलुक देख लेते हैं कि किस टाइप का एक जो टैरिडोफाइट होता है उसका शेप होता है या क्या उसका जनरल सा नाम होता है। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये एक जनरल सा टैरिडोफाइट का फीचर्स है प्लांट का। देखिए, सबसे पहले चीज़ के टैरिडोफाइट्स को फर्न के नाम से भी जाना जाता है और फर्न के जो पार्ट्स हैं उनमें आता है प्लांट बॉडी में एक्सेस, लीफ में पिन्ना, पिन्यूल्स, फिडल हेड, क्रोजलर, राइजोम, रूट, स्टॉक, ब्लेड और फ्रंट। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है टैरिडोफाइटिक प्लांट्स की। चलिए अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फीचर है, टैरिडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्लांट टू बी इवॉल्व्ड ऑन लैंड। यानी कि टैरिडोफाइट्स अब तक जब हमारी पृथ्वी का अस्तित्व तो नहीं था और जब थोड़ी सी ऑक्सीजन हमारे अर्थ के ऊपर आई, तो प्लांट्स में जो सबसे पहले इवॉल्व था, जो लैंड के ऊपर जिसने सबसे पहले जो अर्थ थी उसके ऊपर एग्जिस्टेंस प्राप्त करी, तो वो था टैरिडोफाइट। ठीक है, सबसे पहले टैरिडोफाइट्स की जो उत्पत्ति थी वो ओशन से हुई थी और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये इवोल्यूशन के द्वारा अपने आप को और ज़्यादा मॉडिफाई करते रहे और मॉडिफिकेशन के बाद इन्होंने कई सारी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिन्हें अडेप्ट किया। और ऑब्वियस सी बात है गाइस, जहाँ पर भी अडेप्टेशन होती है वहाँ पर आपने पढ़ा है ना डार्विन्स के लॉ, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और नेचर सिलेक्शन और क्या होता है, जहाँ पर कई सारे आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे कि अलग अलग जीवों ने अलग अलग फीचर्स अडेप्ट करके अपने आप को जीवित रखने के लिए जो स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर उसे ही सेलेक्ट करती है जो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आसपास में हो रहे बदलावों को। तो नेचर ने उन्हीं लोगों को या उन्हीं स्पीशीज़ को जीवित रखा। तो उनमें से एक टैरिडोफाइट भी था जिसने स्लोली अपने बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस लेकर आए, जिसके द्वारा वो ओशियन लाइफ को छोड़ करके ड्राई लैंड की तरफ मूव किया इन्होंने। ठीक है, इसके साथ ही फर्स्ट टाइम जो प्लांट था जो ट्रूली लैंड पे एग्जिस्ट किया जिसने, वो थे टैरिडोफाइट्स। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, दे आर क्रिप्टोगैम्स यानी कि सीडलेस एंड वैस्कुलर। जो टैरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता एंड दैट इज़ वाई दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ठीक है, दे कंटेन वैस्कुलर टिश्यू बट लैक जाइलम वेसल्स एंड फ्लोइंग कंपेनियन सेल्स। यहाँ पर गाइस क्या होता है कि अभी आपने देखा था, इसके पहले जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो हमने एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखा था कि उनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वह एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन जाइलम वेसल और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं।
ठीक है। जाइलम बेसल्स एब्सेंट का मतलब कि जो वुड जाइलम होता है, ठीक है, या जाइलम में जो सेल्स पाए जाते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जाइलम बेसल जो है वो एब्सेंट होता है। और फ्लोएम के केस में फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सीव ट्यूब होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो भी है इंपॉर्टेंट वैस्कुलर बंडल्स में या वैस्कुलर टिश्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट जाइलम वेसल और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। चलिए नेक्स्ट फीचर देखिए। नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी हैज़ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। जैसा कि आपने देखा था टेरिडोफाइट्स के ब्रायोफाइट्स के केस में कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की दैट इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन सभी के अंदर रूट्स होता है, स्टेम होता है और लीव्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है टेरिडोफाइट्स का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि स्पोर्ट्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। ये स्पोरेंजिया क्या होता है, जैसे आपने एक बोल देखा, ठीक है, आपको अगर आपको या पेन देख लीजिए, पेन को आप कहाँ पे रखते हो, पेन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली स्पोर्ट्स कहाँ पे रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। जैसे बोल होता है एक कटोरा जिसके अंदर आप रसगुल्ले वगैरह रखते हैं, कुछ भी रख लेते हो, ठीक है आप लोग, तो वो क्या कहलाता है, तो स्पोर्ट्स को जो रखने का वेसल होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये कि स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं नए प्लांट को जर्मिनेट करने में, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम ब्रायोफाइट्स में देख चुके हैं स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है, स्पोरोफिटिक फेज के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर फोर्थ में और ज़्यादा इलाबोरेशन की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो स्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये कहाँ पे बनते हैं, सॉरी, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्पोर्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ वो ध्यान रखनी है कि स्पोरेंजियम जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, बट सम मेंबर्स फर्टाइल स्पाइक बियरिंग स्पोरेंजियम अराइज फ्रॉम द एग्जाइल ऑफ द लीफ। बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके लीफ के वेंट्रल सरफेस पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं या स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके जिनके मेंबर्स फर्टाइल स्पाइक लिए हुए होते हैं, कहाँ पर, एग्जाइल जो लीफ होती है वहाँ पर। एग्जाइल मतलब आपने देखा होगा बिल्कुल टिप पे कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्पाइक बियरिंग स्पोरेंजियम, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जनरली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब कि वन टाइप ऑफ स्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड जनरली, मतलब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक टाइप का जो स्पोर है उसका प्रोडक्शन होता है, जबकि बहुत सारे जो ऐसे होते हैं टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस की कंडीशन में भी देखे जाते हैं, मतलब कि दो या दो से अलग टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट देखिए, स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया जो टर्म हमने अभी यूज़ किया कि स्पोर्ट्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है या स्पोर्ट्स कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, तो दैट इज़ स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं कई के बार ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लीफ जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसे स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो फिल ये जो टर्म आप देख रहे हैं, फिल मीन्स होता है लीफ, और स्पोरेंजिया तो अभी टर्म हमने यूज़ किया आप सभी के सामने, ठीक है। तो ऐसी लीव्स जिनके बैक में, जिनके वेंट्रल साइड में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, उन्हें स्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो टिप होती है लीव्स की वो जनरली कर्व्ड हो जाती है इनवर्ड, और ये प्रोटेक्ट करती है वल्नरेबल ग्रोइंग प्लांट्स को, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो टिप होती है, जो एग्जाइल होती है लीफ की, वो जनरली कैसी हो जाती है, इस प्रकार की हो जाती है, ठीक है। और जब इस प्रकार की हो जाती है तो इसी के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उसे एंथेरिडिया कहा जाता है, वाइल द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। बहुत ही सिमिलर है जो कि आपने ब्रायोफाइट्स के केस में पढ़ा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दैट मीन्स कि स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन आर ऑब्जर्व इन टेरिडोफाइट्स। यानी कि बहरे क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है उसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है, उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है, और नेक्स्ट एज में जो गैमेटोफाइट जनरेशन उसको दिखाया जाता है। तो कम्प्लीटली हैप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी में एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप बेसिकली देखेंगे तो पूरी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है दैट इज़ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं। यहाँ पे प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो एम्फीमेरल नज़र आती हैं। दैट मीन्स कि पहले रूट जो होती है टैप रूट सिस्टम देखा जाता है, पर फाइनली जब ये प्लांट और ज़्यादा ग्रो करता है तो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कुछ जो होते हैं, वैसे बेसिकली देखा जाए तो जितने भी फर्न होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, दैट आर जनरली हर्बेशियस स्टेम, दैट आर हैविंग हर्बेशियस स्टेम। दैट मीन्स कि उनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत पतला होता है और हर्ब टाइप का। दैट मीन्स कि फ्लैक्सीबल होता है, छोटा होता है, वुडी नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ फर्न्स ऐसे होते हैं जिनमें वुडी फर्न्स भी, वुडी स्टेम भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं इनके बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट देखिए, द टाइम इज़ यूजुअली, यहाँ जो सॉरी टाइम नहीं, यहाँ पे स्टेम जो होता है जनरली वो ब्रांच्ड होता है या फिर डाइकोटोमस होता है, जैसा कि हमने रिक्सिया के केस में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीव्स जो होती हैं स्टेम की, ये फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स जो स्टोमेटा होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और बोथ सरफेस पे, यानी कि जो लीफ है इसके अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस, यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों पे ही फिलीफॉर्म ट्राइकोम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीव्स पे भी और स्टेम पे भी। नेक्स्ट देखिए, जो रूट और स्टेम होते हैं यहाँ पे इनके अंदर वेल डिवेलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, या जो वेल डिवेलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे इन्हीं के एब्सेंस के कारण सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होता। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे वुडी स्टेम नहीं है इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ विजिबल नहीं होता। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो इंटरनल टिश्यू होता है लीफ का वो डिफरेंशिएटेड होता है स्पॉन्जी और पैलेसेड सेल्स में। ठीक है, स्पॉन्जी और पैलेसेड सेल्स क्या होते हैं जब हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, पैलेसेड थोड़ा सा लंबी होती है, स्पॉन्जी सर्कुलर शेप्ड होती है, और उनमें डॉटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो नज़र आता है। तो ये था लास्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी। ये है गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो। तो चलिए यहाँ पे खत्म होती हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।